सभी भैया बहनों का नरेंद्र शर्मा की फिजिक्स क्लास में हार्दिक अभिनंदन। जैसा कि आप बोर्ड पर देख रहे हैं कि हमारा टॉपिक चल रहा था, सब्जेक्ट हमारा फिजिक्स में टॉपिक अध्याय जो था विमीय विश्लेषण था और टॉपिक था विमाओं का उपयोग। तो मैं अपनी पिछली वीडियो में आपको दो विमाओं के उपयोग बता चुका हूँ। अब विमाओं के तीसरे उपयोग की तरफ जाते हैं हम कि आपके डायमेंशनल एनालिसिस का थर्ड यूज क्या है। तो देख रहे हैं कि यहाँ पर टॉपिक मैंने लिखा है भौतिक राशियों के बीच संबंध ज्ञात करना, मतलब कि रिलेशनशिप फिजिकल क्वांटिटी के बीच में रिलेशनशिप शो करनी होती है तो व्हाट इज द फॉर्मूला बिटवीन गिवन फिजिकल क्वांटिटी विद द हेल्प ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, इसको हमें बताना है। तो देखिए इसके लिए एक मेथड हम यूज करेंगे और मेथड को यूज करने से पहले हम एक क्वेश्चन लेके चलेंगे और फिर उसको आगे बढ़ाएंगे और उसका रिजल्ट निकालेंगे। तो देखिए एक मैं क्वेश्चन लेके चल रहा हूं, प्रश्न लेके चल रहा हूं, एग्जाम्पल लेके चल रहा हूं कि एक कण है, एक कण जिसका द्रव्यमान स्मॉल एम है, जिसका द्रव्यमान मास जो है मास ऑफ पार्टिकल स्मॉल एम है, स्मॉल आर त्रिज्या के वृत्त पर गति कर रहा है। क्या कह रहे हैं क्वेश्चन में कि एक कण है जिसका द्रव्यमान स्मॉल एम है, वो स्मॉल वी वेग से स्मॉल आर त्रिज्या के वृत्त पर गति कर रहा है, तब विमीय विधि द्वारा विमीय विधि द्वारा कण पर लगे अभिकेंद्रीय बल, देखिए अभिकेंद्रीय बल एफ के लिए सूत्र की उत्पत्ति करो। ये हमारा एक तरह से क्वेश्चन हो जाता है कि एक पार्टिकल है जिसका मास एम है और वो एक स्मॉल आर रेडियस के सर्कुलर पाथ पर स्मॉल वी वेग से गति कर रहा है, तब उस पर एक फोर्स लगता है जिसको हम सेंट्रीपेटल फोर्स बोलते हैं। तो उस सेंट्रीपेटल फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा, उसको देने के लिए हम यूज करना चाहेंगे डायमेंशनल एनालिसिस, मतलब कि विमीय विधि द्वारा हम उसको ड्राइव करेंगे। तो इसके लिए देखिए एक मेथड हम यूज करते हैं कैसे। तो सबसे पहले देखिए सॉल्यूशन जब करते हैं इस क्वेश्चन का तो कैसे करेंगे, आप उसको देखेंगे जिस तरह से इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे हर क्वेश्चन का, इसी तरह से हम सॉल्यूशन लेके चलते हैं। देखिए जब सॉल्यूशन करेंगे हल में तो हमने कहा है, देखिए फिजिकल क्वांटिटी हमारे पास में तीन है, एक तो मास है पार्टिकल का वो एम है, वेलोसिटी है वो वी है और रेडियस जो है सर्कुलर पाथ की वो स्मॉल आर है। तो इस तरह से ये तीन फिजिकल क्वांटिटी है। अब ये तीनों पर डिपेंड कर रहा है कौन, फोर्स, सेंट्रीपेटल फोर्स। तो हम क्या करेंगे, लेट F प्रोपोर्शनल, हम ये चूज करके चल रहे हैं कि F प्रोपोर्शनल m की पावर a, मतलब कि द्रव्यमान की घात a पर डिपेंड करता है कौन, सेंट्रीपेटल फोर्स, v की घात b, v मतलब वेलोसिटी की जो पावर है वो b ले रहे हैं उस पर डिपेंड करता है सेंट्रीपेटल फोर्स, और तीसरा है हमारा फिजिकल क्वांटिटी रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ आर की पावर सी। इस तरह से हम एबीसी पावर राइज कर ली हमने, कोई जरूरी नहीं हम एबीसी करें, एक्स वाई जेड भी कर सकते हैं, वो तो आपका नोटेशन लेने का तरीका होता है। अब ये प्रोपोर्शनल को हम हटाएंगे और एफ इज इक्वल टू, प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो कॉस टेन लगा के एम की पावर ए, बी की पावर बी और आर की पावर सी, ये इक्वेशन वन हो जाएगी। यहां जो के होगा हेयर के, ये डायमेंशनल लेस कॉन्स्टेंट है, मतलब विमाहीन नियतांक, विमाहीन मतलब कि नियतांक, इसकी कोई विमा नहीं होगी, डायमेंशनल लेस कॉन्स्टेंट है। यहां तक हम हर एक क्वेश्चन में जाएंगे, जिस तरह से यहां पर आए कि एफ प्रोपोर्शनल टू एम की पावर ए, वी की पावर बी, आर की पावर सी। अब क्या होगा, जो हमारी पहली इक्वेशन आ रही है ये वाली, इस इक्वेशन में जितने भी आपके फिजिकल क्वांटिटी यूज हुई है उन सब की डायमेंशनल फॉर्मूला पुट करेंगे इसके अंदर, समीकरण
एक में प्रत्येक पद की, प्रत्येक पद की विमा लिखने पर जितने भी फिजिकल क्वांटिटी इसमें यूज हुई है क्वेश्चन वन में उनकी डायमेंशन लिखेंगे। अब देखिए फोर्स जो होता है, फोर्स की डायमेंशन होती है एम एल टी माइनस टू। फोर्स की जो डायमेंशन है वो एम एल टी माइनस टू। अब देखिए पावर एम के पावर वन रख सकते हैं और यहां भी वन रख सकते हैं, ठीक है, कोई क्लियर नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब इधर के क्या है, डायमेंशनल लेस कॉन्स्टेंट है, इसकी कोई भी डायमेंशनल फॉर्मूला हम नहीं पुट करेंगे। अब मास पर आ जाइए, मास क्या होगा एम, पावर कितनी है ए, इसके बाद वेलोसिटी है एल टी माइनस वन वी और रेडियस एल पावर सी। मैथमेटिक्स अप्लाई करेंगे और एम वन एल वन टी माइनस टू एम को देखेंगे सबसे पहले एम की पावर ए। अब एल यहां पर भी है, यहां पर भी है, यहां पर जो पावर है वो बी है और यहां पर पावर जो है वो सी है, तो एल की पावर हो गया बी प्लस सी ड्यू टू मैथमेटिक्स, और टी की पावर हो गया माइनस का सी, माइनस का बी। अब देखिए यहां एम की पावर है, एल की पावर बी प्लस सी और टी की पावर माइनस का बी। अब क्या करना होगा हमें, हमें दोनों तरफ जो विमाएं हैं उनकी तुलना करनी होगी। क्या लिखेंगे हम, दोनों ओर विमाओं की तुलना करने का, दोनों ओर विमाओं की तुलना करने पर हम इसकी कंपैरिजन करेंगे, कंपैरिजन ऑन बोथ साइड ऑफ डायमेंशन। अब तुलना करेंगे तो देखें आप, देखिए ए इज इक्वल टू वन, ए इज इक्वल टू वन ग्रीक भाषा फर्स्ट में लिख दिया हमने। अब बी प्लस सी और बी प्लस सी इज इक्वल टू आल्सो वन, थर्ड माइनस का बी इज इक्वल टू माइनस का टू, देयर फोर बी इज इक्वल टू टू। जो हमने पावर राइज की थी ना एबीसी, हमारा मैथमेटिक्स क्या कहता है, यहां क्या करना होता है, हमें उन एबीसी की वैल्यू निकालनी होती है। तो हमारे पास ए की वैल्यू ऑटोमेटिकली पहले आ गई, उसके बाद बी की वैल्यू आ गई। अगर बी की वैल्यू मैं यहां पुट कर दू इक्वेशन नंबर टू में तो सी की वैल्यू आ जाएगी, देन तब समीकरण टू से टू प्लस सी इज इक्वल टू वन, सी इज इक्वल टू वन माइनस टू इज इक्वल टू माइनस। इस तरह से हमारे पास ए बी और सी तीनों की वैल्यू हमने मेजर कर ली। अब ये जो वैल्यू मेजर की है ए बी सी की, ये जो मुख्य इक्वेशन वन थी उसमें पुट कर देंगे। क्या लिखेंगे हम, ए बी सी के मान, ए बी सी के मान मुख्य समीकरण वन में रखने पर, ए बी सी के मान मुख्य समीकरण, मुख्य समीकरण वन में रखने पर, वन में पुट कर दीजिए साहब, तो एफ इज इक्वल टू के। अब देखिए ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू आई थी वन, बी बी की वैल्यू क्या आई थी टू, और सी की वैल्यू जो आई थी वो माइनस वन आई। सॉल्यूशन करके चलेंगे, यहां माइनस नहीं रखेंगे, उसको आपको जो एनआर से डीआर में ले आएंगे, यहां पॉजिटिव रखना है, और एफ इज इक्वल टू के, तो एम बी स्क्वायर अपॉन आर। ये एक रिलेशन आ गया, ये रिलेशन है सेंट्रीपेटल फोर्स, मास ऑफ पार्टिकल, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल और रेडियस ऑफ द पाथ ऑफ द पार्टिकल। अब यहां के आ गया, ये अगर आपको के की वैल्यू पता है तो आप पुट करेंगे, अगर नहीं पता है तो यही छोड़ देंगे। तो यहां देखिए मैं बता रहा हूं प्रयोगों के आधार पर, प्रयोगों के आधार पर यहां के जो है वो वन लिया जाता है, देयर फोर एफ इज इक्वल टू एम बी स्क्वायर अपॉन आर। दिस इज ए रिक्वायर्ड फॉर्मूला फॉर सेंट्रीपेटल फोर्स। इस तरह से हमने जो हमारा क्वेश्चन था, ये पार्टिकल था जिसका मास एम था, स्मॉल वी वेलोसिटी से, स्मॉल आर एड